एंड तक क्या हुआ था यार, क्या कैसे लड़ाई हुई थी? अब मतलब काफी देर से मतलब हम सुन रहे हैं कि राइबिया का नाम आ रहा है, राइबिया को बोल रहे हैं लोग कि आपने मारा हुआ है, सिद्रा पूरा बोल रहे हैं। तो आज भाई तुम्हारा कंफर्म करने के लिए राई भाई के पास है। राई भैया हम नहीं, अगर करते हैं तो हम उसको ये कहते हैं कि हाँ भाई हमने किया है, चाहे उस पर अब FIR लगे, चाहे जो मर्जी हो। अब मेरे को भी फोन आया यार, मेरे को पुलिस स्टेशन से फोन किए बंदों ने कि भाई आपने कोई लड़ाई की है अपना, आप कहाँ पे हो। मैंने उनको सच ही बोला, सर अगर हम करते हैं लड़ाई तो वो हम सबको, ये नहीं हमें छुपने वाला काम नहीं, हम करेंगे तो हम मानते हैं भाई हमने मारा। एक मैसेज था राई भाई के लिए यार, दिल से यार इनको प्यार है हमारा, इसीलिए यार मैंने ब्लॉग बनाया, नहीं तो कोई नहीं। आमिर से भी कोई दुश्मनी नहीं है मेरी, आमिर भी भाई है। चल यार ठीक हो जाए और क्या और है। जल्दी जल्दी ठीक हो जाए, हम तो ये भी दुआ कर रहे हैं कि जल्दी से जल्दी ठीक हो जाए। हुआ है कि मैं आपकी वो ये कर दूंगा, आपका करियर बर्बाद कर दूंगा। भाई देखो वो गुस्से गुस्से में उसने मेरे को पहले, बात उससे ही शुरू होती है। अब हम तो नहीं है भाई व्लॉगर वगैरह, हम नहीं उनको करते हैं, हमने जितने जी भी अपने भाई हैं हमको भी किसी को मना नहीं करेंगे, सपोर्ट करेंगे, दिल से करते जी हैं। बाकी उसका ये है कि वो बंदा ना अपने ही एटीट्यूड में रहता है यार, उसको। सो हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आप लोग देख रहे हो कप्तान सर। तो कैसी है मेरी यूट्यूब फैमिली, होप करता हूँ सब अच्छे ही होंगे। तो आज के हमारे इस खास व्लॉग में ना, तो राई भाई आए हुए हैं। तो राई भाई पब्लिक को हाय कर दो। तो गाइस अभी हम राई भाई से कुछ पूछने वाले हैं कि स्टार्टिंग से लेके यार एंड तक क्या हुआ था यार, क्या कैसे लड़ाई हुई थी? अब मतलब काफी देर से मतलब हम सुन रहे हैं कि राई भैया का नाम आ रहा है, राई भैया को बोल रहे हैं लोग कि आपने मारा हुआ है, सिद्रा पूरा बोल रहे हैं। तो आज भाई तुम्हारा कंफर्म करने के लिए राई भाई के पास है। राई भैया आप ही बताओ अब यार इस बारे में मैं क्या बोल सकता हूँ। हमारा मतलब देखो यार, हमारा कोई लेना देना नहीं है इसके साथ अभी तो फिलहाल। वैसे तो मेरा केस चल रहा है कोर्ट में, तो केस चल रहा है इसके मुताबिक। इसने FIR दी थी हमारे पे कोई 1 ईयर पहले यहाँ पे छन्नी पुलिस स्टेशन। तो उसके बाद उस केस की तारीख तो हम भुगतते अभी भी जाते हैं कोर्ट वगैरह, पर इस बारे मामले में हमारा कोई लेना देना नहीं है भाई। देखो कल की वीडियो में मैंने देखा यार, आयरा माजिद ने पूरा मतलब आपको पोक किया हुआ, बोला यार हुआ यार, अब किसी को कोई कुछ बोल सकता है यार, आप खुद मतलब आपका थ्रेट सुना रहे थे कि आपने उनको बोला हुआ है कि मैं आपकी वो ये कर दूंगा, आपका करियर बर्बाद कर दूंगा। भाई देखो वो गुस्से गुस्से में उसने मेरे को पहले, बात उससे ही शुरू होती है। अब हम तो नहीं है भाई व्लॉगर वगैरह, हम नहीं उनको करते हैं, हमने जितने भी अपने भाई हैं हमको भी किसी को मना नहीं करेंगे, सपोर्ट करेंगे, दिल से करते हैं। बाकी उसका ये है कि वो बंदा ना अपने ही एटीट्यूड में रहता है यार, उसको क्या बंदा बोले। अब उसका रहना सहना कुछ अलग टाइप का, किसी का वो अपने साथ वालों का सका नहीं है यार, उसका क्या बात करोगे आप। मैं उसके साथ रहा हूँ यार, मैंने उससे बात भी किया जब मेरी उसके साथ लड़ाई थी, उन्होंने मेरी गाड़ी तोड़ी थी जी। वो भी किस बात में, चलो मैं मानता हूँ मेरी गलती है, मैंने उससे हाँ बोला भाई गाड़ी, मैंने कोई गलत नहीं बोला, मैंने ये कहा बाइक के साइड पे कर लो यार। उसी बात के लिए उसके साथ कोई छपरी राइडर होंगे ज्यादा, वो अपने वहां पे मीटअप कर रहा था जी। उसने उन सबको यही कहा कि नहीं भाई इस बंदे ने मेरे को गालियां दी है या ये किया, मतलब वो ना बंदे को, किसी को भी ना वो अपना सोचते हैं कि नहीं हमारा सोशल मीडिया पे हम वो कर सकते हैं बंदे को कुछ भी, तो हम अगर जो डालेंगे जो बोलेंगे वही मानती है दुनिया। पर नहीं यार हमारा वो तौर तरीका नहीं है। नहीं। हम अगर करते हैं तो हम उसको ये कहते हैं कि हाँ भाई हमने किया है, चाहे उस पर अब FIR लगे, चाहे जो मर्जी हो। अब मेरे को भी फोन आया यार, मेरे को पुलिस स्टेशन से फोन किए बंदों ने कि भाई आपने कोई लड़ाई की है अपना, आप कहाँ पे हो। मैंने उनको सच ही बोला, सर अगर हम करते हैं लड़ाई तो वो हम सबको, ये नहीं हमें छुपने वाला काम नहीं, हम करेंगे तो हम मानते हैं भाई हमने मारा है। पर इस बार इस लेने देने में कुछ नहीं है हमारा इस केस में यार। तो और मतलब इसमें बोला गया कि पहले थ्रेड आपको आया था आमिर की तरह से, वो बताना कि क्या आया था थ्रेड। उसका कहना था कि मैं तुम्हारी टांगे काट दूंगा फोन पे, जब हमने उसको पैसे के लिए था, थोड़ा लेन देन था कि उसने गाड़ी तोड़ दी, बाद में वो कहता कॉम्प्रोमाइज करो मैं आपको पैसे दे देता हूँ। मैंने कहा भाई गाड़ी तो ठीक करा ली है मैंने, पैसे मैं क्या करूंगा, पैसे तो एक काम कर मेरे बाप के पास जा, क्योंकि गाड़ी मेरे बाप की यार, उससे बात कर ले, अगर वो पैसे लेंगे तो वो चलता है यार, मैं नहीं तेरे से पैसे ले सकता जी बिल्कुल। तो वो पापा के पास जाने को राजी नहीं था। अब मेरा उसमें कोई लेना देना नहीं है भाई, उसकी बात थी, गाड़ी तोड़ी थी, उसकी गलती थी, वो खुद मानता था मुंह से मेरी गलती है। तो अगर हमने करना होता तो हम तो मुंह से बोलते यार हाँ की है, पिछली बार हमने यहाँ स्टेडियम मोड़ जब मारा था हमने शरेआम बोला, मेरी स्टोरी चढ़ी थी इंस्टाग्राम पे पहले ही, मैंने शाम को ही स्टोरी चढ़ा दी थी उसकी। तो उसके बाद अब इस मैटर में मैं ये कहना चाहता हूँ यार, गलत तो है चलो मानता हूँ, पर शुरुआत करने वाला ही वही है यार। अब दुनिया कितने लोग झूठे होंगे यार, एक लड़की सच्ची है बाकी सारे झूठे हैं, वो तो है देखना, वो मानते हैं कि अब अगर आप फोटेज भी निकाल रहे हो पुलिस वाले टाइमिंग देख लेते हैं यार कि शुरुआत, वो पागल थोड़ी है, अब दुनिया पागल होगी सोशल मीडिया पे, आप बताओगे लोगों को पागल बनाओगे, पुलिस थोड़ी बनेगी यार, उनके पास सबूत है यार। सबूत तो है बट काफी सारे राइडरों को पूरे मतलब जम्मू का मतलब यूट्यूब जितना मतलब जो चेक करता है मतलब जो चलाता है उनको डाउट था कि राई भाई ने किया है, बट यार राई भाई ने कुछ नहीं किया हुआ। राई भाई कहते आज स्पेशल आया था, राई भाई को मैंने फोन किया, राई भाई कहता है मैं आऊंगा वीडियो में, कोई बात नहीं। तो और ऑडियंस को क्या कहना चाहोगे? बस यही कहता हूँ कि लड़ाई झगड़े में कुछ नहीं रखा मेरा भाई, अपनी लाइफ जीवा। और रुस्तम भाई आप भी कुछ कहना चाहोगे?
बोलो बोलो, गलत करना नहीं, गलत सहना नहीं, बस और कुछ नहीं। और हमारे साथ हाइपर दाऊद भी है इस टाइम। तो आज के ब्लॉग में मतलब इतना ही होगा, बस आपको बता दिया। और राई भी आ गए यार, नीचे मैं लिंक दे दूंगा, इंस्टाग्राम पर जाके यार भाई को फॉलो कर देना। और कुछ पूछना होगा, पूछना होगा राइल वैसे कोई, और बाकी कोई बात कर दो, मैं खुद बता दूंगा। और इस बाकी आप भाई हो यार, इस रोल में कोई राइबे का हाथ नहीं था। जो आयरा माजिद ने ये क्लिप यूज किया ना राई भाई की थ्रेड दे रहे थे जो, पर पहले आमिर ने उनको थ्रेड दिया था। मैंने राई भाई से पूछा, बोलता टांगे काट दूंगा। तो ये जो न्यूज दिया आयरा ने ये भी गलत दी हुई है। और ये रिकॉर्डिंग जो है नौ महीने पहले की ना जी, ये रिकॉर्डिंग भी 9 महीने पहले की है। तो कोई नया थ्रेड आया हो तब भी ये 9 महीने की राई भाई को भाई अभी तक केस लड़ रहे हैं इनके साथ। है राई भाई लड़ रहे हो? तो ये रिकॉर्डिंग डालना बनता नहीं था, इसलिए मैंने व्लॉग डाला। बाकी हमें कोई हेट नहीं है किसी की तरफ से, बाकी हम तो उसको भी सपोर्ट करेंगे यार। अगर अच्छा करेगा कुछ, हम किसी को गलत हो ना तो राई भाई मुझे खुद सपोर्ट करते हैं, बोलते तू व्लॉग बनाने जाएगा, तेरी किसी से कोई लड़ाई नहीं है। राई भाई की लड़ाई है, पर राई भाई ने मुझे आज तक कभी मना नहीं किया कि तू आमिर के साथ व्लॉग बनाने नहीं जा। राई भाई आपने किया ना भाई? मैं किसी ने मुझे मना नहीं किया कि तू व्लॉग बना जा, बोलते हमेशा तू जा, तेरे को फुल जो दिल से अच्छा लगे यार वो करो यार। मैं किसी को मना नहीं कर, कभी मुझे राई भाई ने लाइफ है यार। अगर मैं चाहता मैं राई भाई के साथ रहता हूँ, मतलब 24 घंटे मतलब मेरे घर के पास आया, राई भाई मुझे कह सकते थे कि तू आमिर के साथ व्लॉग नहीं बनाना। भाई मैं पूंछ में गया उसके मीटअप पे, भाई उसका कोई भी मीटअप होता मैं जाता हूँ, राई भाई मुझे मना नहीं करते। राई भाई कहते हैं तू आज आमिर के मीटअप पे नहीं जाना, मैं कहता हूँ राई भाई जाना, राई भाई ने मुझे कभी मना नहीं किया, मत जा, हमेशा मुझे सपोर्ट करते हैं। तो आप सबने सुनी ली राई भाई की बातें, जो जो राई भाई ने आपको बताया, बाकी जो बाकी जो हेट फैला रहे हैं ना उनको और फैलाओ, उनको और फैलाओ जितना फैला सकते हो। तो आज के ब्लॉग में इतना ही यार, होप करता हूँ यार आपको ब्लॉग अच्छा लगा होगा। ये ब्लॉग नहीं था, एक मैसेज था राई भाई के लिए यार, दिल से यार इनको प्यार है हमारा, इसीलिए यार मैंने ब्लॉग बनाया, नहीं तो कोई नहीं। आमिर से भी कोई दुश्मनी नहीं है मेरी, आमिर भी भाई है, चल यार ठीक हो जाए और जल्दी जल्दी ठीक हो जाए। हम तो ये भी दुआ कर रहे हैं कि जल्दी से जल्दी ठीक हो जाए। तो मिलते हैं फिर एक नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए भाई स्वस्थ रहो, मस्त रहो, खाते